एक अहम खबर दिखाता हूं। चीन की हर चाल के लिए भारतीय सेना तैयार है। कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल में सड़कों का जाल, कल ही 12 सड़कों का रक्षा मंत्री ने किया है उद्घाटन। 7 साल में बीआरओ ने 4800 किलोमीटर सड़क बनाई है। सड़कों के जाल से बॉर्डर तक सेना की आवाजाही आसान हुई है। लिहाजा हिंदुस्तान भी तैयारियां तो कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं जिसकी नीयत अच्छी होती है वो अमूमन इन मामलों में चीजों को प्रीएम्प्ट करने के हिसाब से कोशिशें करता है, लेकिन अक्सर यह होता है कि चोर पुलिस वाले मामले में चोर कई मामलों में बढ़त इसलिए लिए रहता है क्योंकि बदमाशी करने का की तिकड़म उसको पता होती है, उसको प्रीएम्प्ट करना होता है पुलिस को। और इस मामले में कहीं ऐसा लगता है कि हम फॉलो कर रहे हैं और वो कहीं हमसे आगे आगे चल रहा है। जरा इसको समझने की कोशिश करता हूं, अशोक सज्जनहार साहब के पास जाता हूं। अशोक सज्जनहार साहब, वहां जो ये कहावत है कि दिस इज वॉर इज पॉलिटिक्स विदाउट ब्लडशेड एंड पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड, अगर इनकी अगर ये यही सोचते हैं तो फिर ये तैयारियां क्या है? देखिए, तैयारी ये है बेसिकली, अगर आप चीन का देखिए क्या उसका माइंडसेट है, उसका माइंडसेट ये नहीं है जो यहां पर वो आकर लड़ाई करेगा और लड़ाई से भारत को वो उसके ऊपर जंग करके फतेह पाएगा। उसका काम जो है, आपने देखा होगा दिनेश, जहां भी उसने काम किया है वो किया है थ्रेट से, वो किया है धमकियां देकर, वो किया है बुलिंग से, वो किया है इंटिमिडेशन से, वो किया है कोअर्शन से। और यहां भी जो आया था उसका इरादा यही था, क्योंकि देखिए ठीक है वो 2 डिवीजन लेकर आया, 50-60 हजार अपने लोग लेकर आया, परंतु इसका मतलब ये नहीं है जो वो वहां पर जंग करने आया था। उसने सोचा यहां पर आएगा, अपना जोर दिखाएगा। आपने देखा है कैसे ग्लोबल टाइम्स ने कैसे कैसे वहां पर एड्स किए, जो हमारे में इतनी पावर है, हमारे फोर्सेस के पास ये है, उतना है। तो वो आया था यहाँ पर जो धमकाने के लिए, जो उसको एरिया चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, उसमें आकर वो जम जाएगा और ले लेगा। परंतु वो वहां पर उसने बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की थी दिनेश, क्योंकि यहाँ पर उसे नहीं मालूम था जो कितनी जल्दी भारत अपनी सेनाओं को मोबिलाइज कर लेगा, बिल्कुल मिरर डिप्लॉयमेंट कर लेगा। हमारे रफेल भी आ जाएंगे, हमारे चिनूक भी आ जाएंगे, हमारे अपाचे भी आ जाएंगे, और हम वहां पर बिल्कुल उसका आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन करेंगे। और फिर जो इन्होंने बताया है वहां पर कैलाश रेंजेस में, चाहे मगर हिल, टॉप हिल, हेलमेट टॉप, सभी कुछ हमने वहां पर उनके वो वहां पर प्रयास करने का वो कर रहे थे, पर हमने उनको प्रीएम्प्ट कर दिया। तो इससे भी उसको बहुत, मैं कहूंगा, जो सरप्राइज और शॉक भी हुआ है। और इसीलिए हमारे हाथ में ये, मैं कहूंगा, कुछ ट्रंप कार्ड्स आ गए थे, हमारे हाथ में लेवरेज आ गया था। और आपने जो प्रश्न पूछा था, मैं तो उसका यही जवाब दूंगा, जो ये जो वहां पर बातचीत हुई है, क्योंकि वहां पर आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन था नॉर्थ बैंक, पेंगोंग लेक में और साउथ बैंक, तो मेरे विचार से ये ठीक था जो उनको डिसएंगेज करना बड़ा जरूरी था, नहीं तो एक्सीडेंटली कुछ भी हो सकता था वहां पर दिनेश। एक्सीडेंटली सही, लेकिन कुछ भी हो सकता था, ये एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है। इसलिए हमको बातचीत करके डिसएंगेज करना ही था। हालांकि एक दूसरी इसका इंटरप्रिटेशन जो दूसरी तरफ से किया जाता है हमारे यहाँ, वो ये कहा जाता है कि शायद हमको ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के बारे में और ज्यादा, वो हमारी बहुत महत्वपूर्ण करेंसी थी जब हम उसके साथ नेगोशिएट कर रहे थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।